अब की बार मुझे जब भी आना है, देखो गुड्डू पापा, जब भी अमरूद पक जाएंगे, अब की बार मुझे यहाँ के अमरूद भी खाने हैं। जामुन तो खा ही ली, ज्यादा नहीं सही, थोड़ी सही, मतलब केवल अमरूद खाने के लिए आओगे। अमरूद तो वहाँ भी मिलते हैं, लेकिन इस वाले पेड़ के जरूर खाने। अमरूद के पर्पज से बच्चों को भी लेके आऊंगी और अपने आप भी आऊंगी। बस बात कहने की है, और जो पक जाते तो बच्चे का आधा खा ही लेते। तो बोल कबूल कर लिया तन्ने? बोल कबूल करवा ली, अभी मैं काटूंगी चेरी पक्के पे भी आना नियार डांगरों का। चला काटेंगे। एक गठड़ी काटनी पूरी, एक गठड़ी दो दस गठड़ी कटवा लो, चाहे इतनी बढ़िया हवा लग रही पांच में बैठ के यहाँ क्यारे में, और छा रही। खेती किसानी करने का मन हो गया यहाँ पे, और पशुओं के लिए चारा ज्वार। अच्छा नहीं लगता लेकिन कभी कभी करें जब तो अच्छा लगे ही है। ये ज्वार है, ज्वार पशुओं का चारा, ये जो काट रही है अभी, और ये बाजरे की बहन है, ज्वार बाजरा साथ साथ में ही आता है, ज्वार बाजरा ये भी ऐसा ही होता है बाजरे जैसा ही। गुड्डू के नाना जी ने मना कर दी, नू कह रहे बस रहन दे, चल दूं फोरी बहुत तेज। कितनी फिकर करी, नू कह रहे बस और ना काट, काट के देखना था। और ये सैंपल है था, बाकी तो चारा बुग्गी में जा चुका है बुल्ले नहीं, लेकिन ये सैंपल कटिंग थी चारे की। और ये रही दराती, दंती बोल रहा है हमारी भाषा में, कुछ लोग हसिया। ये यहाँ पे है हल्दी, हल्दी का पौधा है ये, और ये इसे सर्दी में खोद देंगे, जब ये कटेगा उसके बाद में ये खुद जाएगी, इसमें से बहुत मोटी मोटी गांठ निकलेगी हल्दी की, तो घर की हल्दी यूज करते हैं रवि यार। तो भाई नहर है ये, वही जिसका हम जिक्र कर रहे थे, पानी इसमें आ रहा है लेकिन बरसात का है, भले ही यहाँ ना हो रही हो, पीछे कहीं हो रही होगी पहाड़ों वाड़ों में, क्योंकि सारी नहरें वहीं से आती हैं नदियों से निकल के। ये सिंचाई वाली नहर है छोटी, अभी इसमें साफ पानी नहीं, इसलिए नहा भी नहीं सकते, और नहाने का कोई मूड नहीं है इस नहर में, बच्चों का भी और हमारा भी। धूप का टाइम बढ़ता जा रहा है, अब ये ट्यूबवेल के होज बनाएंगे, बता रहे सब मिल के मुझे। और उसने अपनी पोजीशन पकड़ लिया है ट्रैक्टर चलाने की, ये देखिए ये ट्रैक्टर चला रहा, देखिए बाबा ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं था, तो गेयर गार सारे तो अब रहा। बताओ बड़ी भारी प्रॉब्लम होगी, इसकी चप्पल में मिट्टी चिपक गई, कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये नहीं कहा था ना क्या, नहीं कहा था मैंने, पैर भी बन गया, इसके पैर भी गंदे हो गए, बताओ अब क्या करें जाए।
ना आपकी कार में पानी नहीं जाएगा और आपके नाक में भी पानी नहीं जाएगा। अच्छा जी, तो अभी हम आए हैं यहाँ के यूपी के एक शामली डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में, तो इस गांव का नाम है ताना। और ये ताना नहीं है, बहुत बहाना है, मतलब इस गांव की, ये गांव इतना अच्छा है, यहाँ कोई भी आए ना उसका मन लग जाएगा। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ मौजूद है और अभी हम यहाँ पे ट्रेल में कुत्ता भी मार गए और यहाँ पे एक नहर भी आई हुई है। मम्मी ने ऐसे ही ना बदल ले। ना तो लिए सब, और ना ना के जो है अब खाने की बारी। बच्चों ने रख लिए थे सैंडविच अपने, बना रखे थे घर पे ही नाश्ते में, अभी ना खाएंगे और पानी पियेंगे तो घर की तरफ कुछ चल देंगे। नाए मौज लेके ये बढ़िया तरीके से ट्यूबवेल चलवाई स्पेशली, अब बंद कर दिया ट्यूबवेल, तसल्ली सी होगी इन्हें भी बच्चों को। इनका तो कभी कभी मौका लगे, हम तो कभी ही कूद ले जाके होज में कहीं भी खेत बाहर में, तो इन्होंने जो है अपने ट्यूबवेल पर ना लिया, अब तो अब चलते हैं घर। अरे सवारी तो बैठा ले अपनी, ऐसे पेल रखा टूटा फूटा ट्रैक्टर है, लो दुकान में मैं लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मम्मी मुझे नीचे उतार दो, मुझे डर लग रहा। आज तो ओरिजिनल ही फंस गया, भले ही पुराना हो पर है तो असली वाला। चल नहीं रहा, खराब हो गया, कहे में हो रहा है खराब। ये तो टूट गया बता रहा, घड़ी टूट रही, क्या टूट रहा, ये भी टूट रहा। अबे ये तो ऐसे ही हो रहे हैं भाई पुराने के। जब यू चला ना, जब टूटता है यो ये ट्रैक्टर। हाँ हाँ चलेगा तो है, पर चलेगा तो फिर टूट फूट तो होगी भाई। खा लो भाई, खा लो पूड़े, सैंडविच भी दे दियो ना एक पनीर सैंडविच। हाँ भाई, भूरे और काले, इसकी तो खराब हो रही है। काला नहीं खा रहा, पूड़े कम खावे दिखे। ये नंबर ही नहीं आने दे रहा लाल सा, ये तेज तर्रार है पूरा फुर्ती वाला। रहा खा ले लो से भी, एक अद्धा करेले भी हैं यहाँ पे, ये करेले की बेल है और ये चढ़ा रखी है इन्होंने अपने ट्यूबवेल के कोठे पे। तो देखो करेले लग रहे हैं यहाँ पे ताजे वाले, ताजे ही होंगे पेड़ पे बेल पे होंगे। तो यहाँ से चल रही है, पानी वानी का इंतजाम पूरा है इसमें दे रखा है, सिंचाई कर रखी इसकी। घर जाने का टाइम हो चुका है, सफ़र बहुत लंबा है, 2 किलोमीटर लगभग। सभी सवारियां अपनी सवारी गाड़ी पर बैठ गए हैं, सीट बेल्ट किसी ने नहीं लगाई अब की बार, और यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं यहाँ पे कई सारे बच्चे लोग, बड़े लोग भी। ना हेलमेट है, ना सीट बेल्ट है, ये देखो फोन देखने के लिए, ना कागज़ है, ना कुछ है, इंश्योरेंस बीमे कुछ नहीं। चल दिया चल दिया घर से यात्रा पे, टूर पे चल दिया, अरे पिकनिक मना गए, जमन खा ले, डुबकी लगा ले, कागजों का ध्यान नहीं है गाड़ी के अपने, कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे। ये कहें के फूल हैं, देखो लिली है शायद, लिली नहीं है, बस है बस। ये बिना छत की गाड़ी है और साइड में अब पेड़ आए हैं, मतलब छाँव भाई है यहाँ आम का बाग किनारे, इसलिए नहीं तो धूप में ही चलना पड़ता है इस गाड़ी में। यहाँ पे नहर का टोल है एक, यहाँ टोल लिया जाता है, टोल टैक्स पार होने का, इस पे भी जगह जगह टोल टैक्स हैं। और ये लेटा हुआ है आराम से घास की गठरी पे। गाड़ी जाली गैराज में, भैंसा अपनी बुग्गी को लेकर गैराज में चला गया, और तुम जो है अपने गैराज में चलो भाई, धूप हो रही, चलो भाई यार उसी। घर आते ही नहा के ये देखिए बच्चे लग गए हैं आम खाने में, आरुषि और गुड्डू, इन्हें तो आम काफ़ी पसंद है और ये टपके वाले आम हैं। और देखिए उधर चिंकी जो है वो भी खाना खाने में लग गई है, उसे भी भूख लगी है, दाल चावल खा रही है, इनकी नानी ने बनाए हैं दाल चावल। और ये इधर भाई साहब जी, इनके कमर में हो रही है खुजली,
ये देख किसी ना किसी को कुछ ना कुछ हो रहा है, और इन्हें लग रही है सबसे ज्यादा गर्मी।